బీజేపీ మేధావుల సమావేశంలో అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం మజ్లిస్ కా సాథ मैं आज सार्वजनिक रूप से कहता हूं मोदी जी ने दो साल से 17 सितंबर परेड ग्राउंड के मनाने का निर्णय किया है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हर गांव हर चौपाल हर जिले के अंदर हैदराबाद विमोचन दिन मनाया जाएगा। तेलंगाना की आजादी पर, भारत की आजादी पर आप गर्व नहीं कर सकते? किस प्रकार की तुष्टिकरण की, एपिसमेंट की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की इतनी अहमियत तो हो सकती है क्या? और अगर यही है तो इसके आधार पर बैठे हो, इसका सपोर्ट लेकर बैठे हो, कैसे तेलंगाना का आप भला कर सकते हो? हैदराबाद सेल, हर जिले के अंदर हैदराबाद विमोचन दिन मनाया जाएगा। तेलंगाना की आजादी पर, भारत की आजादी पर आप गर्व नहीं कर सकते? किस प्रकार की तुष्टिकरण की, एपिसमेंट की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की इतनी अहमियत तो हो सकती है क्या? और अगर यही है तो इसके आधार पर बैठे हो, इसका सपोर्ट लेकर बैठे हो, कैसे तेलंगाना का आप भला कर सकते हो? हैदराबाद शहर का भला कैसे हो सकता है? अरे मैं तो भाग्य लक्ष्मी माता के दर्शन करने गया, उन्होंने कहा कि ये यहां आकर एटमोस्फियर बिगाड़ रहे कि सीआर बाबू, मेरा भाग्य लक्ष्मी माता के दर्शन करने से एटमोस्फियर नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता है, तेलंगाना का भाग्य अच्छा होता है। किस प्रकार की सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ेंगे? वो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, हम विकास और आत्मविश्वास की राजनीति कर रहे हैं। हम वो लोग एंटाइटलमेंट की बात करते हैं, हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और वो लोग परिवार के लिए काम करते हैं, हम तेलंगाना के लिए, भारत के लिए काम करते हैं। मित्रों, केसीआर के नेतृत्व में नीलू निधुलू और नियम कोलू के सूत्र के साथ उन्होंने आंदोलन किया था। तीनों की स्थिति क्या है? जल जैसी पवित्र कोई चीज नहीं हो सकती। हर व्यक्ति के शरीर में 60% पानी होता है। जल के बगैर जीवन संभव ही नहीं है, जल के बगैर कृषि संभव ही नहीं है, जल के बगैर अर्थतंत्र का विकास संभव ही नहीं है। ये मुद्दे पर अलग तेलंगाना का आंदोलन चला और आपने कालेश्वरम योजना में भ्रष्टाचार कर संपत्ति बनाने का काम किया। शर्म आनी चाहिए आप। पलामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन योजना में भी बड़ा कौभांड किया और 5 साल तक पूरा नहीं हो पाया। आपने नीलू का वादा पूरा नहीं किया। आपने निधुलू की बात करें, धन की बात करें, तो तेलंगाना को जब तेलंगाना राज्य बना, जब 400 करोड़ सरप्लस था, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, और आज टोटल 7.5 लाख करोड़ का ऋण तेलंगाना जैसे छोटे राज्य के सर पर डाल दिया है। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर राव को, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, 9 साल में 9 लाख करोड़ रुपया तेलंगाना के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च किया है। चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वंदे भारत बनाना हो, चाहे यूनिवर्सिटियां बनानी हो, चाहे इंस्टीट्यूशन लाने हो, तो आपने 7.5 लाख करोड़ कहां डाले? हर गरीब को अनाज मोदी जी भेज रहे हैं, गैस का सिलेंडर मोदी जी ने बेचा, शौचालय मोदी जी ने बनाकर दिया, रोड मोदी जी ने बनाए, मेट्रो
ट्रेन और वंदे भारत मोदी जी ने बनाया, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन मोदी जी ने किया, तो आपने ये 7.5 लाख करोड़ कहां डाले इसका हिसाब तेलंगाना का युवा आज आपसे मांग रहा है, लेकर जाना।